नमस्कार देवी और सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैड यूज़र में, जहाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि टूल बार्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ड्रॉ कैसे किया जाता है, डायमेंशन कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग टोटल कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं। आज मैं ये सारी जो ड्राफ्टिंग करूँगा ये सारी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करूँगा। तो अगर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा टूल बार्स कैसे ऐड किए जाते हैं। तो टूल बार्स ऐड करने का होता है, सबसे पहले हमारे सबसे टॉप का रिबन होता है टूल, टॉप वाले रिबन में आता है टूल्स। टूल्स में आप क्लिक करेंगे, इसके थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे टूल बार्स, देन यहाँ ऑटो कैड, ऑटो कैड में जाके हमें टूल बार्स चाहिए ड्रॉ, डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज। सो हम पहले ड्रॉ लेते हैं। ये आ गई हमारी ड्रॉ टूल बार। अब हम वापस इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम यहाँ ड्रॉ पे ही राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन, ये हमारी आ गई डायमेंशन टूल बार। देन अब हमें नेक्स्ट चाहिए प्रॉपर्टी टूल बार, लास्ट में प्रॉपर्टीज, ये सही है अपनी जगह। ओके, ये हमारी आ गई हैं तीन टूल बार, कौन कौन सी, ड्रॉ, डायमेंशन, प्रॉपर्टी टूल बार। ओके, सो पहले मैं आपको ड्रॉ के बारे में बताता हूँ, ड्रॉ में क्या क्या होता है। ड्रॉ में आता है पहला आपका लाइन, लाइन तो नॉर्मली जो आप ये देखिए, जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपको ये पूरा ट्यूटोरियल बता देगा, इसके बारे में बताएगा, क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स विद लाइन, यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव लाइन सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज अ लाइन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एडिटेड सेपरेटली। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी कॉन्टीन्यूस लाइन होती है, इसका कोई एंड नहीं होता है, इसमें ऑटो कैड में कभी भी एंड नहीं होगा। ये दो उसमें काम कर, तीन में काम करती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड एंगल। ओके, आप इसे तीन में यूज़ कर सकते हैं, वन पॉलीगॉन आप भी जानते हैं क्या होता है, बताने की नीड नहीं है, रेक्टेंगल वही है, बेसिक्स जो आप मिलते हैं आपको, जैसे पेंट आप यूज़ करते हैं वही चीज़ें हैं इसमें भी, बट थोड़ा टेक्निकल टर्म है। सो ये ऑब्जेक्ट है और हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाएंगे। अब हम लेंगे लाइन कमांड, एल एंटर, डिस्टेंस देंगे हम, लेंथ जो होगी 80 mm, थिकनेस है 10 mm, और यहाँ हम देंगे 20 mm। देन यहाँ 30 mm, 40 mm, अगेन 30 mm, 20 mm, देन हमने डाउन कैसे, ओके अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सी एंटर, सर्कल कमांड। ओके, अब आप यहाँ कुछ भी डालेंगे तो ये रेडियस पे चल रहा है, अभी आप खुद देख सकते हैं जो येलो लाइन है बिल्कुल सेंटर से, हमने इसे रेडियस में है ये। तो अभी हम कुछ भी डालेंगे, जैसे मैं अभी डालूँगा 10, एंटर, तो ये 10 रेडियस है। ओके,
सी एंटर ट्वेंटी एंटर ओके। अब हमें इसे करना है ट्रिम, तो ट्रिम का क्या होता है कमांड टी टी आर डबल एंटर ओके। ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब हम इसका बनाएंगे टॉप व्यू ओके। तो टॉप व्यू में हम ऊपर जाएंगे, लेंथ अगेन कितनी थी 80, विड्थ हम रखते हैं 30, देन अगेन 80, विड्थ 30, फिनिश। अब यहाँ एक कमांड और आती है ऑफसेट कमांड, ओ एंटर, यहाँ से हमारा कितना डिस्टेंस था 20, 20 एंटर ओके। अगेन ओ एंटर, आप एंटर जैसे अब मैंने एस्केप कर दिया, मैं कमांड से बाहर आ गया हूँ, मैं दोबारा एंटर करूँगा, मैं दोबारा वो पुरानी कमांड में आ जाऊँगा। प्रीवियस कमांड में आने के लिए आप दोबारा एंटर दबा देंगे, अगर आप दोबारा एंटर दबाते हैं तो आप प्रीवियस कमांड में पहुँच जाते हैं, और एस्केप दबा के आप उस कमांड से निकल सकते हैं ओके, कैंसिल कर सकते हैं वो कमांड। देन ऑफसेट करेंगे इसे भी, ओ एंटर 10 एंटर ओके, ओ एंटर 20 एंटर सॉरी ओ एंटर 20 एंटर ओ एंटर 10 एंटर ठीक है। अब इसकी है थिकनेस ओ एंटर 10 एंटर ओके। अब कमांड आती है एक्सटेंड ओके, एक्सटेंड मतलब लाइन को बढ़ाना, तो उसका कमांड है शॉर्टकट है ई एक्स डबल एंटर। सेम ट्रिम की तरह है, ट्रिम कट करती है, ये एक्सटेंड करता है ओके। हमें यहाँ पे ट्रिम कमांड चाहिए टी आर डबल एंटर जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम वो कट कर देंगे ओके। ये बन गया हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। सो अब हम बनाएंगे इसका साइड व्यू। तो लाइन कमांड दी हमने एल एंटर, देन इसकी विड्थ कितनी है साइड व्यू में हम विड्थ डालेंगे 30 mm ओके। अब पीछे से हाइट डालेंगे इसकी टोटल 40, टोटल विड्थ 40 ओके, 20 10 O enter 10 enter okay।
एक्स डबल एंगल अब हमें ये सर्कल नहीं दिख रहा, हमें तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक किसी ने बॉक्स चिपका दिया है, बॉक्स लग रहा है, बट यस। तो हमें भी इसे सर्कल को दिखाने के लिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्कल अब बैकग्राउंड में है, मतलब छुपा हुआ है यहाँ पे, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए होती है हिडन लाइन। तो हिडन लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे बाय लेयर, ठीक है। बाय लेयर में जाएंगे यहाँ वाले में, सो यहाँ हमें हिडन नहीं दिख रहा है, तो जैसे आप बाय लेयर को क्लिक करेंगे अदर्स पे जाएंगे, यहाँ था लोड लोड, देन यहाँ कीवर्ड डालेंगे एच, हिडन में एच आ गया, ओके। तो यहाँ हमारी आ गई है, देन ओके। देन दोबारा हम बाय लेयर पे जाएंगे, पर लाइन सेलेक्ट करेंगे, बाय लेयर पे जाएंगे हिडन, ओके। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट व्यू, मैं लिख भी देता हूँ साथ में। सो ये है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब बारी है तीन की डायमेंशन देने की, तो हम देंगे डायमेंशन। पहली कमांड है डायमेंशन में लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट में डायमेंशन देती है, ओके। तो पहले इसकी देते हैं हम डायमेंशन, टोटल है 80, थिकनेस 10, यहाँ से हाइट 30, टोटल हाइट 41, ओके। देन इसके बाद है इसमें रेडियस, तो इसका रेडियस देंगे हम, इसका रेडियस आता है 10, एंड ये नीचे वाला रेडियस है हमारा 20, देन सो इसका टोटल हुआ ये 40 mm, ओके। अब नेक्स्ट है आगे चलते हैं, तो यहाँ इसकी साइड व्यू में देते हैं, विड्थ है हमारी 30। हमें इसकी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ 820 दिखा दिया है, तो कोई वो नहीं है, बट हम इसकी थिकनेस ज़रूर दिखाएंगे। टोटल हाइट आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वरना आपने वो सेट दिखा दिया तो ज़रूरत नहीं है। 40, ये टॉप व्यू में 80, वही सेम है 30, ट्वेंटी, ओके। ये है ड्राफ्टिंग, ओके। फॉर बिगनर्स दिस इज अ ड्राफ्टिंग ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि
प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग के बाद आता है स्टेप प्लॉटिंग का, ओके? ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके?